भी आप सब लोगों के सामने कहते हैं कि जिस तरह से गर्दन काटा गया है राजद कार्यकर्ताओं का, राजद नेताओं का गर्दन काटा गया है, ये बड़ी दर्द हो रहा है राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं में। इसलिए राजद का कार्यकर्ता अभी एकदम उत्साह नहीं दिखा रहा है, राजद के जिलाध्यक्ष के साथ भी जो बेइज्जती हुई है इसका भी दर्द हो रहा है। और वो तो बाकी अपना जिलाध्यक्ष जी बताएंगे उनके साथ हुआ, विधायक के भी एक बेइज्जती की गई, लेकिन हाँ राजद के लोग अभी बहुत मर्माहत हैं। और हम लोग तो अब आलाकमान का निर्देश हो गया, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम अंतिम क्षण तक लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार के साथ हम हैं और रहेंगे और अंतिम क्षण तक रहेंगे। हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। नेता हमको लालू यादव ने नेता हमको बनाया, राबड़ी देवी ने नेता बनाया और हम सींचा है यहाँ पूरा पूरा चंपारण को मैंने सींचा है, चंपारण को मेरा हत्या हुआ है, लोग ने हत्या किया, मैं चंपारण वासी के साथ हूँ और चंपारण वासी के साथ अंतिम क्षण तक। यहाँ टिकट के लिए मैंने नहीं सेवा किया, आगे भी मैं चंपारण के जनता के साथ सेवा करूंगा, मोतिहारी के कार्यकर्ताओं के साथ आगे भी रहूंगा और अंतिम क्षण तक लालू यादव तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के साथ रहूंगा। लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय, जिसने भी साजिश करके किया है ये अच्छा काम नहीं किया है। जय राजद, जय लालू, जय तेजस्वी। अब तो कार्यकर्ता अपना निर्णय अपना ले, हम तो राजद लालू यादव का जो फरमान हुआ हम हैं और यहाँ रहेंगे। यहाँ के लोगों ने नहीं ना कुछ किया है, यहाँ के लोग तो आपको सम्मान देता है, यहाँ जिसके कारण हुआ है भगवान भी करेंगे उसका। फोन नहीं गन उठाओ आप, हाँ।